तो ब्रेकिंग न्यूज यही कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने जम्मू कश्मीर में जाकिर मूसा को नया कमांडर बनाया है। जाकिर मूसा को बुरहान वानी की जगह नया कमांडर बनाया गया है। भारत में कई बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाले हिजबुल के पुराने कमांडर बुरहान वानी को भारतीय सेना ने मार गिराया था और अब नया कमांडर सामने आए हैं। और आईबीएन 7 के आतंकी सरगना का ये एक्सक्लूसिव वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं और इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है। स्काइप के जरिए पाकिस्तानी पत्रकार उमर आर कुरैशी साहब जुड़े हुए हैं जो कि समा टीवी के डिजिटल एडिटर भी हैं। कुरैशी साहब, शुरुआत बातचीत की मैं आपसे ही करना चाहूंगी। लगातार यूएन हो, ब्रिक्स हो, तमाम ऐसी जगह जहां पर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मैसेज ये जाना चाहिए कि हम सब एकजुट हैं आतंकवाद के खिलाफ। तमाम तरह के मसलों को उठाया जा रहा है जिसमें पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो जाकिर मूसा जैसे नए पौधों को बढ़ावा देता दिख रहा है। जी नहीं, जब जाकिर मूसा का वीडियो मैंने तो नहीं देखा, आपके पास एक्सक्लूसिव था तो मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान ने इसको भेजा है या ये इंडिजिनस है या जो भी है, या हो सकता है कि इंडिया का अपना प्रोपेगेंडा हो। लेकिन जहाँ तक आप ब्रिक्स की बात कर रही हैं तो ब्रिक्स में तो फाइनल स्टेटमेंट में तो पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। मोदी साहब ने तो पाकिस्तान को कहा था मदरशिप ऑफ टेररिज्म, जिसे आतंकी जननी कहा गया। नहीं, उसमें था नहीं, कुरैशी साहब, फाइनल स्टेटमेंट में जिक्र था टू एंड क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, उसमें पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं था। वो कम्युनिके आपने भी शायद देखा होगा, वो मोदी साहब ने अपनी स्पीच में लिखा था कि मदरशिप ऑफ टेररिज्म, लेकिन उनको कोई सपोर्ट ज़्यादा नहीं मिली, खासतौर पर चाइना से नहीं मिली। जहाँ तक के सार का मसला है कि सार का समिट नहीं हो रहा, तो वो तो सबको पता है कि ज़्यादातर इन द पास्ट भी कि इंडिया ने ही उसको कैंसिल किया, एटलीस्ट 4 बार तो पोस्टपोन हुआ था और आपस के इख्तलाफात की वजह से वो नहीं होता। और जैसे कि अब देखें कि आप इंडिया में आप कहते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से आता है, तो पाकिस्तान में व्यू है, और मैं कोई मतलब मैं आर्मी का स्पोक्समैन नहीं हूँ ना मैं गवर्नमेंट का स्पोक्समैन हूँ, इधर व्यू है कि इंडिया की तरफ से भी हेल्प दी जाती है। जीडी बख्शी साहब, कुरैशी साहब को सुन रहे हैं, भारत का ये प्रोपेगेंडा है, जाकिर मूसा का ये वीडियो, इसका आप क्या जवाब देंगे उनको? देखिए, पाकिस्तान की जो असली हालात है वो तो डॉन न्यूज़पेपर खुलासा कर चुकी है कि पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने खुद बताया पाकिस्तान की फौज को कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। उनका जो सारा कश्मीर का कैंपेन था इंटरनेशनलाइज करना, जो करने की कोशिश थी, वो बिल्कुल किरकिरी पड़ गई है और मुंह की खानी पड़ी है, और उनको अब कुछ एक्शन लेने पड़ेंगे उन टेररिस्ट ग्रुप्स के खिलाफ जो कि पाकिस्तान में शरेआम, जैसे कि हाफिज सईद और अजहर मसूद इत्यादि, जो शरेआम हक्कानी ग्रुप वगैरह वगैरह, ये जो नेटवर्क हैं, कार्टून नेटवर्क जो शरेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ कुछ एक्शन लेना होगा। ये खुद पत्रकार हैं पाकिस्तान के, ये अपने जो दिलेर पत्रकार हैं इनके अल्मेडा साहब, उनकी तो बातचीत इनको पता ही होगी। जहाँ तक ये जो नए कार्टून खड़े हुए हैं ये हिजबुल मुजाहिदीन के, ये तो पहले से ही बड़े डरे और सहमे हुए लग रहे हैं, और इन्होंने ये वीडियो में डींग हाँक कर अपना डेथ वारंट साइन कर लिया है, मैं इनको बता रहा हूँ। अब ये कितने दिन या कितने हफ्ते लास्ट करेंगे ये इनकी किस्मत के ऊपर है, और कितना भागने में ये तेज हैं, दुरुस्त हैं, मुस्तैद है, उसके ऊपर ये चलेगा। जो इनके अगर कमांडरी में जो अटैक हमने देखे हैं जो कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए हैं, वो सारे के सारे शूट एंड स्कूट, यानी कि फायर करो और भाग लो सर पे पांव रख के, इस प्रकार के हमले थे। चाहे बारामूला में जो हुआ, चाहे हंदवाड़ा में हुआ, चाहे पामपुर में हुआ, और चाहे श्रीनगर के पास जो हमला हुआ शूट एंड स्कूट, उसमें एक दो कैजुअल्टी करके ये बड़े अगर अपने आप को 30 मार्खा महसूस कर रहे हैं, तो मैं इनको बता दूं कि ये नाटक करके इन्होंने अपना डेथ वारंट साइन किया है। कुरैशी साहब, आपको नहीं लगता ऐसा? डीडी बख्शी साहब भी कह रहे हैं, आईना तो देखिए, आईना ही नहीं देखना चाह रहे हैं आप आंखें बंद कर लेंगे तो सच्चाई झूठ में नहीं बदल जाएगी? कुरैशी साहब, चलिए, लगा कुरैशी साहब तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। पूर्व राजनयिक विवेक अर्जु साहब है, विवेक अर्जु साहब, आपने अभी कुरैशी साहब का बयान सुना। सीधे तौर पर तमाम बातों को, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो या फिर भारत की तरफ से कहीं हो, उन्होंने तमाम बातों को नकार दिया और अपनी आंखों पर अभी भी काली पट्टी बांधी हुई है पाकिस्तान ने।
देखिए, पाकिस्तान तो काली पट्टी बांध के रखेगा, इसमें कोई हमें शक नहीं होना चाहिए। जिस जिस देश ने सर्जिकल स्ट्राइक्स को नहीं कबूल किया, अब वो कैसे कबूल कर लेगा कि उसके देश से आतंकवाद होता है, और वो हमेशा यही कहेगा कि दुनिया उसके साथ है। हाँ, ये ज़रूर है कि चीन उसके साथ है, और चीन उसको नहीं, पाकिस्तान को नहीं छोड़ेगा। हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान का नेक्सस हम फेस करते हैं, और वो नेक्सस चलता रहे। जैसा आप कह रहे हैं कारजू साहब, और सीधे तौर पर कुरैशी साहब ने ये कहा कि हमारे लिए तो कुछ कहा ही गई नहीं कहा गया ब्रिक्स में, और जो भी कहा गया हो वो उसमें हमारा जिक्र ही नहीं था। इस बात को कहकर वो खुश जरूर हो सकते हैं, लेकिन जो तमाम बातों के जरिए संदेश दिया गया हो, अगर वो समझना चाहे तो बहुत कुछ पाकिस्तान के लिए ब्रिक्स में कहा गया, उसके घोषणा पत्र में कहा गया है। हमारे साथ राजीव त्यागी भी हैं, अनिल बलूनी साहब भी हैं, उनके पास मैं आऊंगी। जाकिर मूसा को लेकर ये भारत का कोई प्रोपोगेंडा हो सकता है, लेकिन ब्रिक्स में जो बात हमारे प्रधानमंत्री ने कही है उसके बारे में जरा गौर फरमाइए। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि आतंकवाद की जननी पड़ोस के भारत के देश में ही है। तो ये पड़ोस कौन है, जरा बताइए इस बात को, किसकी तरफ नहीं, इशारा जी था आपने आपको, क्यों ऐसा लग रहा एक है तो कि ये मैंने आपकी तरफ आपके इशारा नहीं था, सच्चाई को नहीं, स्वीकारिए हम सर। पाकिस्तान की तरफ तो इशारा था बिल्कुल, लेकिन ये तो मोदी साहब की बात एक्सपेक्टेड है ना, कि वो तो पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म में। आप मुझसे पूछी थी कि ब्रिक्स में सपोर्ट मिली इंडिया को या नहीं, कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें। उसका मैं कह रहा था कि इनका जो ज्वाइंट कम्युनिके इशू हुआ था उसमें सर, पाकिस्तान का आपने कोई नाम घोषणा नहीं था, पत्र उसमें में जो सिर्फ ये था। अंतिम तौर पर जी मोहर जी लगी उन बातों पर गौर फरमाया है, आतंकवाद को लेकर, जी जी आतंकवाद बिल्कुल को बिल्कुल लगातार बढ़ावा देने वाले देशों के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत का बात की गया, जिक्र किया गया है। क्या इस बात को आप नजरअंदाज कर सकते हैं? नहीं, नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है जो मोदी साहब कह रहे हैं, वो पहले भी और सर पाकिस्तान का प्रोपोगेंडा कौन इशारा करता कर है चुके हैं बगैर। प्रोपोगेंडा अगर आप मुझे बोलने सर, देंगे तो, अगर आप मुझे आप कह बोलने रहे देंगे हैं तो मैं जवाब जाकिर दे मूसा दूंगा। को लेकर नहीं, प्रोपोगेंडा आप किया जा रहा बोलेंगे है फिर ही मुझे। सर सर आपने जी कहा जाकिर मूसा को लेकर प्रोपोगेंडा किया जा रहा है, यूएन में जब आपके नहीं, प्रधानमंत्री जाकिर बुरहान मूसा वानी का को जिक्र युवा नेता आपने किया बताते हैं वो था। प्रोपोगेंडा अगर नहीं आप होता मुझे है, बोलने ज्वाइंट देंगे कि सेशन बुलाते जाकिर हैं नवाज मूसा का शरीफ को जिक्र वो आपने प्रोपोगेंडा किया नहीं था, होता है मैंने कुरैशी किया साहब? था। नहीं, जाकिर मूसा, एक तो आप अगर गेस्ट को बुला रही हैं तो आप उनको बोलने दें, ठीक है। बोलिए, जाकिर लेकिन मूसा मेरे का, मेरे जो जाकिर मूसा प्रश्न है का उनका जिक्र उत्तर दीजिए आपने, सर। आप ब्रिक्स की तरफ रुख कर ले रहे हैं, जाकिर आप, मूसा पर मैं बोलिए। दोनों, नहीं, आपने ब्रिक्स का खुद ही पूछा था, और आपने जाकिर मूसा के वीडियो का जिक्र किया था, तो मैंने कहा था कि जाकिर मूसा का वीडियो मैंने देखा नहीं है, फर्स्ट तो टाइम सर आई ये हियरिंग ऑफ हिज प्रोपोगेंडा नेम, आप तो मुझे कैसे कह नहीं, सकते हैं? प्रीति जी, मैं तो वो कर तो देता हूँ वीडियो सर। तो वो फेड भी हो सकता है, तो आपको पता है कि प्रीति जी आपके कुरैशी ख्याल जी से से मेरा क्या, एक सवाल है, नहीं आपके ख्याल मैं से कि जवाब देना पाकिस्तान के चाहूंगा प्लीज। अलावा, नहीं, प्रोपेगेंडा आपके ख्याल से कि सिर्फ पाकिस्तान ही करता है? अगर करता है और मुल्क भी कुरैशी करते हैं, जी हर कोई एक करता है सवाल मैं भी प्रोपेगेंडा। करना चाहूंगा आपसे। जी कौन बोल रहा है? बिकॉज प्रीति जी मैं आई जरा एक नॉट सवाल सी करूं। व्हाट्स गोइंग ऑन। अनिल जी, अनिल प्रीति जी कुछ जी, पूछना चाह रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी से जुड़े मेरा हैं नाम अनिल राजीव बनूनी त्यागी, साहब। अनिल प्रवक्ता जी हूं बात कांग्रेस रखिए अपनी। पार्टी का। जी, भाई बोलिए जी। कुरैशी साहब, मैं अनिल बलूनी हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का नेशनल देखिए मैं स्पोक्सपर्सन एक बात हूं। कहना चाहूंगा और प्रीति आपके जी, साथ आपने पैनल अनिल जी की पे बात सुन लेते बहुत हैं। सीनियर डिप्लोमेट है विवेक काटजू जी, अगर आप है ना जी वो जी भी इस डिबेट में है, और जनरल बख्शी जो बहुत पुराने फौजी हैं और बहुत समय से इन सब चीजों को देख रहे हैं, वो भी पैनल पे हैं। विवेक काटजू जी जरूर आपको बताएंगे कि डिप्लोमेसी में चुपचाप रहने का और इशारों का क्या मतलब होता है। इस घोषणा पत्र में जो इशारे किए गए हैं वो बहुत साफ है, आपकी तरफ बहुत चीजें साफ नहीं की जाती। और ये भी बता दूं, जो आप चीन के लिए बात करते रहते हैं, डिप्लोमेसी में, कूटनीति में चुप रहने का मतलब भी कई बार समर्थन होता है, तो इसलिए चीन ने समर्थन भी किया इस मामले में, तो इसलिए आप गलतफहमी में मत ना जिए पाकिस्तान। और आप बुरहान वानी की बात कर रहे हो, और अभी ये जो एक जाकिर का जो वीडियो टेप आया, आप कह रहे हैं हमने किया है। अरे आपके लॉ मेकर, आपके सांसद क्या कह रहे हैं कि हाफिज सईद के अंडे दे रहा है पाकिस्तान के लिए? क्या हो रहा है आपके अखबारों में, आप पढ़िए ना। अरे कुरैशी साहब, आप अपने यहाँ के अखबार पढ़िए, टीवी देखिए अपने पाकिस्तान का, रेडियो देखिए, आपको सब समझ आ जाएगा, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह एक एमएनए अगर कह रहा है कि हाफिज सईद अंडा दे रहे, तो आपके इंडिया में भी बहुत लोग कहते हैं कि इंडियन आर्मी इन कश्मीर में बहुत मुजालिम कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। देयर आर पीपल इन बोथ कंट्रीज हु क्वेश्चन द थिंग। जहां तक सर, मैंने इस बात आपको को इस मैंने तरह कहा से कि काउंटर क्रॉस बॉर्डर करके टेररिज्म आप सच्चाई को झुठला नहीं सकते हैं। आतंक की पनाहगाह बना नहीं, हुआ वो है सच्चाई तो पाकिस्तान। रिलेटिव है, वो सच्चाई आपके लिए जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान में वो सच्चाई हो, वो आप बिलीव करते हैं। आपने फ्रेज सुना होगा फ्रीडम फाइटर, नहीं तो वो आप अपनी तरफ से जाकिर मूसा का पहले कभी नाम ही किसी भी पूछेंगे
पाकिस्तान मीडिया में कि हु इज जाकिर मूसा, दे विल से नो, दे डोंट नो हु इज जाकिर मूसा। ठीक है, अच्छा जाकिर मूसा कोई नहीं है, मूसा को छोड़िए, आप बताइए, चलिए छोड़िए, पाकिस्तानी मीडिया को छोड़िए, आप बताइए जाकिर मूसा कौन है। मैंने तो नाम अभी आपसे पहली बार आपने आपने सुनाई नहीं है, राजीव त्यागी। और मैं काफी वेल ये इतना बता दो, नहीं आप जो कह रहे हैं ना कि आपके डिप्लोमेट्स बहुत सीजन डिप्लोमेट्स आपके शो पे, मैं एक बात कहना चाहूंगा कुरैशी साहब, प्लीज सुनिए मेरी कुरैशी साहब, आप इस टाइम भारतीय मीडिया में दिख रहे हैं, दूसरों को हमारी बात सुन लीजिए प्लीज, वो बोलेंगे नहीं। मैं भारतीय मीडिया, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं भी कुछ ऐसे, आप जो कह रहे हैं कि रिटायर्ड मेजर जनरल हैं और रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, तो आई हैव बीन इन द जर्नलिज्म हियर इन पाकिस्तान तकरीबन 22 साल हो गए, तो मैंने भी अभी कोई अभी जन्म नहीं लिया इधर, ठीक है, तो मैं भी आपको अपने होता है वो दोनों साइड से होता है जी। राजीव त्यागी देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, सन 47 में दोनों देश ही आजाद हुए, आप एक दिन पहले हुए, हम एक दिन बाद हुए, कांग्रेस आज हिंदुस्तान मंगलायन कर रहा है और आप हमारे यहाँ घुसने की कोशिश कर रहे हैं। जनरल परवेज मुशर्रफ साहब जो आपके राष्ट्रपति भी रहे और पूरा सेना के प्रमुख भी रहे, उनका एक इंटरव्यू याद करिए जब वो कहते हैं कि हाफिज सईद से लेकर के अन्य आतंकवादी हमारे लिए कोर साबित हो चुके हैं, हम ही ने इनको डेवलप किया और वो आज पाकिस्तान को यहां दिखाने का काम कर रहे हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, अगर आज नवाज शरीफ साहब हमसे कह दे और ये कहे कि हमारे ऐसे आतंकवाद खत्म करना है, हम 24 घंटे में आतंकवाद आपके यहां से खत्म कर देंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और एक बात और बहुत महत्वपूर्ण कहना चाहूंगा आपको, आप आतंकवाद को पालेंगे और उसको डिफेंड करेंगे तो ये ऑस्ट्रिच अप्रोच है, जैसे शत्रुमुर्ग जो है शिकारी को देख करके रेत में अपना मुंह कर लेता है, सोचता है मैं बिल्कुल सुरक्षित हूं, इसी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान के पत्रकार कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है आतंकवाद कल को आपको लील जाएगा और लील गया है। आप हिंदुस्तान की प्रोग्रेस देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी आज चौथे नंबर की है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान की आर्मी आप चौथे नंबर की है पूरे विश्व में, हिंदुस्तान के लोग बाग सीईओ बन रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट से लेके गूगल के, और आपके लोग बाग क्या कर रहे हैं, आपके लोग बाग हाफिज सईद दाखिल करा रहे हैं, चिंता का विषय है। बंदूक कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बंदूक की जगह डेवलपमेंट समस्या का समाधान होता है और डेवलपमेंट के लिए बैठना पड़ता है। साहब आप अगर बात सुनेंगे, अनफॉर्चुनेटली आप इंडियन मीडिया में, जो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंडियन मीडिया में, पाकिस्तान की वो सही तस्वीर दिखाते नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं कि इधर लोग पढ़े लिखे नहीं है और प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आपकी इकोनॉमी इसलिए भी आगे भाई, दाऊद इब्राहिम आपके पास है या नहीं है, हाफिज सईद आपके पास है या नहीं है, लखवी आपके पास है या नहीं है, ओसामा बिन लादेन आपके पास था या नहीं था, आप हमें दीजिए, हम इनको इंसान बना देंगे। नहीं नहीं आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉस्टल लाइक अप्रोच है, तो ज्यादातर पाकिस्तानी जो है मेजोरिटी में, और वो समझते हैं कि इंडिया की हॉस्टल लाइक सपोर्ट है, स्पेशली विद रिलेशन टू इट्स ओन इंटरनल प्रॉब्लम्स। आई मीन आपके अभी फॉरेन सेक्रेटरी जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी है शिवशंकर मेनन, ही हिमसेल्फ इज सेइंग मैं जवाब देना चाहूंगा इसका, प्रॉब्लम्स आर इंटरनल। आपने जैसे कहा ना कि पाकिस्तान में लोग हैं कि जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में प्रॉब्लम है, तो इंडिया में भी तो लोग हैं जो इस तरह कहते हैं। मैं जवाब देना चाहूंगा आपको माय डियर फ्रेंड, जी 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 जी, हिंदुस्तान में फौज जो है पॉलिटिकल प्रोसेस को रिपोर्ट करती है, पॉलिटिकल प्रोसेस के हिसाब से फौज हमारे यहाँ एक्ट करती है, आपके यहाँ फौज पॉलिटिकल प्रोसेस को गवर्न करती है, पॉलिटिकल प्रोसेस को पूरा ताने बाने को छिनबिन करके फौज जो निर्णय लेती है वो फाइनल आपके यहाँ होता है। जब जब फौज जिस देश में फौज का बहुत ज्यादा वर्चस्व हुआ है वो देश दिक्कत में आए, पाकिस्तान की दिक्कत की वजह फौज है। हमारा कहना यह है कि अपनी आर्मी को नष्ट करिए, आतंकवादियों को अगर आप नहीं नष्ट कर सकते हमें बताइए, हम नष्ट कर देंगे। राजीव जी कुरैशी साहब नहीं समझने वाले, जीडी बख्शी साहब ये कैसा मुल्क है, ये कैसा हुक्मरान है, कूटनीति में हर कोई अपना फायदा नुकसान देखता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये कोई दो राय नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का हितैषी जिसे आज ब्रिक्स में भी भारत ने कड़ा संदेश दे दिया है, इसे कैसे देखते हैं जीडी बख्शी साहब? देखिए मैं आपकी आवाज सुन नहीं पाया, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूँ कुरैशी साहब को, वो कह रहे थे कि वो 22 साल से मीडिया में हैं, तो मैं उनको नसीहत दूंगा कि उनके मीडिया के जो बड़े स्टार बने हैं अभी डॉन के बेचारे पत्रकार अलमेडा साहब, जिनको देश से आना जाना जिनका बंद कर दिया गया, उन्होंने क्या लिखा, उन्होंने क्या बताया है आपको, आपके मुल्क के बारे में किस तरह आपकी सिविल और फौज के बीच में
तनाव बढ़ रहा है। किस तरह आपकी सिविल ने फौज को बताया कि साहब हम पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ गए, वो आपने नहीं अच्छा, सुना। जनरल साहब अगर इस पे मैं बोलूं, वो तो अच्छा, आपके आपके सीनियर पत्रकार आपको कह रहे हैं ना, आप अपने पत्रकारों की तो सुन लीजिए, आपके जो पत्रकार भक्सू है, जो भाई बंद है, आप मेरी भी सुन लीजिए, जो सिरिल जहाँ पे लिखते हैं आप मेरी भी जरा सुन लीजिए। सिरिल ने डॉन में लिखा था, डॉन में मैंने 11 साल काम किया उनसे पहले, ठीक है, और उनकी जो स्टोरी है, उनकी स्टोरी में उन्होंने खुद ही लिखा था कि नोबडी हु हैज बीन मेंशनड इन दिस स्टोरी कैन कम इज विलिंग टू कम फॉरवर्ड एंड वेरीफाई, और उन्होंने ये भी लिखा था कि स्टोरी कंफर्म नहीं है, और उन्होंने फिर भी स्टोरी चला दी। सर, ये बात आप कहकर अपने आप को, अपने दिल को, पाकिस्तानी जो आवाम है उसको सुकून पहुंचा सकते हैं। मुझे जवाब दे दीजिए इसका। काजू साहब देख रहे हैं किस तरह लगातार पाकिस्तान की तरफ से कुरैशी साहब वो सब बता रहे हैं जो सच नहीं है, और जो सच्चाई को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए उसे हर बार हर बात पर नकारते दिख रहे हैं। काजू साहब, सॉरी कि सच्चाई ऐसे ये भी है कि जो इंडियन आर्मी है कश्मीर में उन्होंने ज्यादा देखिए देखिए कुरैशी साहब, मैंने भी वो स्टोरी पढ़ी। जी काजू साहब, मैं जरा बोल लूं कुरैशी साहब, देखिए आप बिल्कुल बोलिए। अब वो डॉन की स्टोरी में मैंने ये देखा कि डॉन के देखिए डॉन की स्टोरी में डॉन के एडिटर ने ये लिखा कि वो स्टोरी क्रॉस चेक हुई, फैक्ट चेक हुई एंड द डॉन न्यूज़पेपर जो आपके देश का, जिसमें आप कह रहे हैं आपने काम किया है, सबसे रिस्पॉन्सिबल पेपर माना जाता है, दैट इज स्टैंडिंग बाय स्टोरी। तो क्या आपको कहते हैं कि डॉन बिल्कुल अब एक थर्ड क्लास पेपर हो गया कि ऐसी महत्वपूर्ण स्टोरी छापता है और कहता है कि सब गलत है? ये जी बिकॉज उनकी जो इनिशियल स्टोरी में लिखा था कि स्टोरी के नॉट, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको सरकारी प्रोपेगेंडा में बता रहा हूँ, आपको मैं चेन ऑफ इवेंट्स बता रहा हूँ, उनकी जो इनिशियल स्टोरी में लिखा था स्टोरी के नॉट भी कंफर्म। कुरैशी साहब पत्रकार नहीं है, इंडिपेंडेंट पत्रकार आप नहीं है, दैट आई लीव टू द पॉलिटिशियंस एंड टू द अदर पीपल, बट मैं आपको बता रहा हूँ इनिशियल स्टोरी में लिखा था द स्टोरी के नॉट बी कंफर्म, उसके बाद गवर्नमेंट ने डिनाई किया था दो बार। डॉन की स्टोरी गलत है जब वो कह रहा है कि साहब फैक्ट चेक हुई है, उसके बाद पे डॉन के एडिटर ने जाके बोला था कि तीन बार डिनाई किया था क्योंकि सही थी, बट डॉन के एडिटर ने जो बोला था वो बाद में जाके बोला था। और अगर आप सीनियर और जर्नलिस्ट को पाकिस्तान में पूछेंगे, कुछ एडिटर्स जो पब्लिकली नहीं कहना चाहते, दे ऑल क्वेश्चन द स्टोरी के वो रन नहीं की, क्यों रन नहीं करनी चाहिए थी, बिकॉज दे वर नॉट श्योर। नहीं तो आप कह रहे हैं क्या डॉन वाला रिपोर्ट टाइम में, आप कहना ही पड़ेगा ना, वो तो आदत ही रही है। अरे आप साफ साफ कह रहे हैं कि डॉन ने क्या गलत स्टोरी छापी, लगता तो यही है कि गलत छापी है। जी हाँ, यही तो आई एम सरप्राइज सर, यही तो दिक्कत है पाकिस्तान की। मैंने तो ये नहीं किया था, पाकिस्तान को ऐसा लगता है आप बड़े खिलाफ है, उसकी बहुत ही अच्छी संबंध है, उसकी बहुत अच्छी छवि है। अनिल कुरैशी साहब, आपसे ये कभी तक पाकिस्तान पालता रहेगा, कभी तो सच्चाई से उसे मुखातिब होना ही पड़ेगा। अनिल बलूनी साहब, सच्चाई तो एक्चुअली लग रहा है कि आप लोग को नजर नहीं आ रही, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने ट्वीट किया था कि आई एम सरप्राइज कि जिस अरे साहब कुरैशी साहब, आपने तो पल्ला झाड़ दिया अपने ही कॉमरेड, आप कह रहे हैं आप डॉन न्यूज़पेपर के रह चुके हैं और आप पल्ला झाड़ रहे हैं साहब, ऐसे ऐसी उम्मीद नहीं है आपको 22 साल के पत्रकार। जो भी मैंने कहा है बख्शी साहब, मैंने ऑलरेडी ट्वीट कर चुका हूँ पिछले दो तीन दिन में, कोई नई बात नहीं है। लॉट्स ऑफ पीपल आर वंडरिंग के फ्रीडम ऑफ प्रेस की अलग बात है कि ऑब्वियसली सिरिल को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे नहीं डालना चाहिए था और उनको हटा दिया गया है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट का राइट तो बनता है। अभी कुरैशी साहब ने कहा कि हमें ऐसा लगा कि वो स्टोरी गलत चली गई है, उसे जाना नहीं चाहिए था, यही तो हम कह रहे हैं, पाकिस्तान अपने ही मुगालते में है, उसे सब कुछ लगता है और हकीकत क्या है वो अभी समझ ही नहीं पा रहा है, चाहे अंतरराष्ट्रीय मंच की बात हो या अपनी सरजमीन की बात हो। देखिए प्रीति जी, हमको ना एक तो कई चीजें हिंदुस्तान से कंपेयर नहीं करनी चाहिए, जिस तरह से हमारे देश के अंदर पत्रकारिता को चौथा स्तंभ माना जाता है, पाकिस्तान में वो हालत नहीं है, उस तरह की जमहूरियत पाकिस्तान के अंदर, लोकतंत्र नहीं है वहाँ। और अगर अभी कुरैशी साहब बैठे हैं, कुरैशी साहब बताएं, मेरी कई पाकिस्तानी पत्रकारों से बातें हुई कई बार, जिस तरह से हमारे यहाँ सरकार और सबके बारे में लिखा जा सकता है, वहाँ सरकार के बारे में लिखा जा सकता है। क्या आईएसआई के बारे में आपको गलत लिख सकते हैं? आपके किसी पत्रकार में हिम्मत है? नहीं बताइए, क्या सेना के बारे में आप लिख सकते हैं? आपके पास अधिकारी नहीं है। आई एम सॉरी सर,
डिसएग्री विद यू एंड बहुत सारे सीनियर एडिटर से आप बात करेंगे, आपने मुझे नहीं पता आपने किससे बात की। अरे पाकिस्तान से किसी को स्वतंत्रता नहीं है, मीडिया ज्यादा क्वेश्चन नहीं करता, इंडियन मीडिया जो है वो ब्लाइंडली फॉलो कर लेता है साउथ ब्लॉक को, फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन आर्मी को, स्पेशली कश्मीर एंड पाकिस्तान। एक आपके पाकिस्तान तो फिर भी मुंह क्या खोला, लोग तो बहुत बलूचिस्तान। कुरैशी साहब आप पढ़िए, देखिए कुरैशी साहब आप बिना पढ़े लिखे बातें कर रहे हैं, आपकी रिसर्च बहुत कम है कुरैशी साहब जी। हमारे देश में जिसे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा देश कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि उसकी पहचान ही लोकतंत्र है, जहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जहां पर हम अपनी हर बात को रख पाते हैं, वहां उस देश के लिए आप कह रहे हैं कि हम अपनी सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह पाते हैं, तो मैं शायद ये समझूंगी कि आपकी जानकारी इस मामले में बहुत ही कम है। राजीव त्यागी, सीधा सवाल मेरा आपसे, जाकिर मूसा को लेकर सीधे तौर पर कुरैशी साहब कह रहे हैं कि भारत का प्रोपेगेंडा हो सकता है, लेकिन शायद कुरैशी साहब इस बात को भूल रहे हैं या फिर शायद भूल जाना चाहते हैं कि अगर वो सांप को दूध पिलाएंगे तो कभी ना कभी वो सांप उन्हें भी काटेगा, और यही हाल इस जाकिर मूसा का भी होगा। देखिए डिस्टर्बेंस जिसे कहते हैं कि जब आप उलझते हैं किसी से तो आप विकास नहीं कर पाते, शांति ही विकास के लिए चाहिए, पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं पा रहा है। रही बात मूसा ऊसा पूसा या चूहे जितने भी पैदा होते हैं, हमारी आर्मी सक्षम है, उनको हम निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सन 47 से लेकर के 2016 तक कई बार आर्मी ने पाकिस्तान को बता दिया है कि इंडियन आर्मी क्या है, मैं उस विषय पर बहुत ज़्यादा नहीं जाना चाहूँगा, कुरैशी साहब को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट कहना चाहूँगा कुरैशी साहब, हिंदुस्तान ने महान चर्चिल के उस वक्तव्य को अपनी गांठ बांध लिया है कि हर भौंकने वाले कुत्ते पर अगर आप पत्थर फेंकेंगे तो आप अपना विकास रोक देंगे, अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे, तो हिंदुस्तान उस विषय को लेकर के चल रहा है, उस वक्तव्य को जी रहा है, इसीलिए हिंदुस्तान आज पूरे विश्व में एक बड़ी ताकत के रूप में उभर रहा है, उभर चुका है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में देखिए आईटी है, अमेरिका से लेकर के वरना उन्नत देशों में जितनी आईटी है, मेडिकल साइंस है, हमारे यहाँ के नौजवान चला रहे हैं। त्यागी साहब मुझे आपको रोकना पड़ेगा, कार्डू साहब, त्यागी साहब, क्लोजिंग रिमार्क मुझे कार्डू साहब से लेना है। कार्डू साहब, क्यों ऐसे हालात हैं पाकिस्तान में, वो अपनी सच्चाई को स्वीकारना ही नहीं चाहता, चाहे खुद अपने मुल्क की बात हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हो रही किरकिरी की बात हो। देखिए मुश्किल यह है कि पाकिस्तान ने अपने अस्तित्व को आतंकवाद से जोड़ लिया। आज के दिन पाकिस्तानी सेना की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन, उसमें आतंकवाद का इस्तेमाल अपनी उनकी विदेश और सुरक्षा नीति का एक भाग बन गया, एक भाग है, और उस भाग से वो हटना नहीं चाहते, और वो प्रचार ये करते हैं कि क्योंकि यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा, आतंक की जननी बन चुका है पाकिस्तान, और इसी एक और जननी ने एक नई पौध जाकिर मूसा को जन्म दिया है जिसका खात्मा बुरहान वानी जैसा ही होगा। देखते रहिए आई बिन 7, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।